आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। देवभूमि डायलॉग में आज हम बात करेंगे अब से कुछ ही देर में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सदन में सुनाएंगी, जैसा कि हमें आज का एजेंडा मिला है। 4 बजे ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे, यानी 3-4 महीने का लेखानुदान वो लाएंगे और उसके बाद माना जा रहा है ये सरकार जो है धामी सरकार फुल फ्लश बजट लेकर आएगी। आज जो माननीय राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा उसमें एक रोड मैप की बात की गई, किस तरह से उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे, किन किन क्षेत्रों में काम करेंगे, इन सब मुद्दों पर बात होगी। लेकिन आज हमारे लिए, खासकर उत्तराखंड के लिए, बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जो जुड़ रहे हैं वो संसदीय मामलों के जानकारी नहीं बल्कि उन्होंने भारतीय संसद पे किताब लिखी है। अब INB मिनिस्ट्री उस किताब को हिंदी उसका अनुवाद ला रही है और साथ ही उन्होंने संसद में प्रश्न इस महत्वपूर्ण विषय पर भी एक किताब लिखी है 14-15 पे, और संसदीय मामलों के जानकार हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं। देवेंद्र सिंह अस्पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका, बहुत धन्यवाद सर समय निकालने के लिए। अस्पाल साहब, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राज्यपाल अभिभाषण क्यों महत्वपूर्ण होता है और हर उत्तराखंडी को इसे क्यों पढ़ना चाहिए या क्यों देखना चाहिए? धन्यवाद भट्ट जी। राज्यपाल का अभिभाषण विधानमंडल में या विधानसभा में एक संवैधानिक प्रावधान है, संविधान के अनुच्छेद 176 में प्रावधान है कि राज्यपाल हर वर्ष के शुरुआत में और नई विधानसभा के गठन पर अपना अभिभाषण, जहां विधानमंडल है वहां दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और जहां विधानसभा है विधानसभा को संबोधित करेंगे। यह मूलतः भारत अधिनियम 1919 में पहला प्रावधान भारत में हुआ था, जिसमें जो कि इंग्लिश प्रोसीजर प्रैक्टिस पे बेस्ड था कि वहां इंग्लैंड की साम्राज्ञी मोनार्क हाउस ऑफ लॉर्ड्स में आकर के और हाउस ऑफ कॉमन्स और लॉर्ड्स को संबोधित करते थे और उसे कहते थे स्पीच फ्रॉम द थ्रोन, और स्पीच फ्रॉम द थ्रोन जो राजा वहां भाषण अभी भी देते हैं वो मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित होता है। हमारे संविधान में ऐसे ही व्यवस्था की गई है 1919 के संविधान में, 1935 के, और जो हमारा स्वतंत्र भारत संविधान है तो उसमें ये व्यवस्था की गई, जैसे कि राष्ट्रपति अभिभाषण करते हैं, संसद के दोनों सदनों को अभिभाषण देते हैं जो कि देश की दशा और दिशा के बारे में, सरकार उनके सरकार के क्या कार्यक्रम है, क्या नीतियां हैं और कैसे उससे देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी तरह से राज्य में राज्यपाल महोदय जब नई सरकार आती है जनरल इलेक्शन के बाद संबोधन करते हैं, और क्योंकि इसमें उत्तराखंड में नई विधानसभा का निर्माण हुआ है चुनाव के बाद, तो पहला भाषण में वो अपना नई सरकार की जो उनकी सरकार की नीतियां हैं, प्रोग्राम है, उनके बारे में व्याख्या करेंगे, बताएंगे सदस्यों को, जो बता चुके होंगे कि भाई सरकार की क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या नीतियां होंगी और कैसे उत्तराखंड का विकास आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक बात और जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो वोट एंड अकाउंट है, लेखानुदान है, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दीजिए ना हमारे दर्शकों को कि लेखानुदान क्या है, ये क्यों लाया जाता है? लेखानुदान जो हमारा बजट हर साल पेश होता है वो भी संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 112 में केंद्र में और राज्य में 202 जो अनुच्छेद है, 202 संविधान के जो प्रावधान है उसमें व्यवस्था की गई कि राज्य में राज्यपाल महोदय हर वर्ष, ये उनका दायित्व है कि वो वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उसको सदन के पटल पर रखवाएंगे। तो निश्चित तौर से वो वित्त मंत्री या जहां मुख्यमंत्री खुद वित्त विभाग उनके पास होता है वो उसे रखते हैं, और उसमें ये व्यवस्था की गई है कि वह वित्त विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, जो कि आने वाले वित्तीय वर्ष की राजस्व की
एस्टिमेटेड राजस्व, जो प्राकलित राजस्व है, जो अनुमान है कि कितना राजस्व आएगा और सरकार उसको कहा कैसे कैसे खर्च करेगी विभिन्न विभागों में, मदों में, अपने प्रोग्राम्स में, उसका विवरण होता है। तो ये रेगुलर बजट की बात की गई, परंतु संविधान में ये भी प्रावधान है कि यदि पूरा बजट किसी कारणवश, विशेषकर नए जब जब इलेक्शन होने वाला होता है या नई सरकार चुन के आती है, क्योंकि बजट बनाने में समय लगता है नई सरकार को, तो क्योंकि सरकार का कामकाज और काम चलाने के लिए धन चाहिए, वित्त चाहिए, तो वो उसमें प्रावधान है कि लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। और केंद्र में तो ये लेखा अनुदान का प्रावधान 1921 से चल रहा था, और स्वतंत्र भारत के संविधान में भी आर्टिकल 116 में ये प्रावधान है, और 2016 तक ये प्रथा चली आ रही थी कि वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान होता था। और वो इसलिए होता था क्योंकि बजट पारित होता था कई अप्रैल के अंत तक, और सरकार का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर समाप्त होता है। तो जब तक नया बजट पास होता है तब तक सरकार को संसाधन चाहिए, और नॉर्मली ये प्रथा 2016 तक थी, वोट ऑन अकाउंट होता था, लेखा अनुदान होता था, 2 महीने का बजट लोकसभा संसद अग्रिम पहले पास कर देती थी। पर 2016 में सरकार में एक निर्णय हुआ और सरकार ने बकायदा स्पीकर लोकसभा से और प्राकलन समिति के अध्यक्ष, जो कि उसमें माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे, और मुझे सौभाग्य था कि मैं उसमें समिति का सचिव था, सरकार का सुझाव आया कि अभी हम 2 बजट पेश कर रहे हैं, एक रेल बजट और जनरल बजट, जबकि संविधान के में एक ही बजट का प्रावधान है, चाहे वो 112 हो और चाहे 202 जो राज्यों के बारे में, एक ही बजट का प्रावधान है। तो ये 2 बजट ठीक नहीं, क्योंकि ये तो अंग्रेजों की परिपाटी थी जब बजट एक है। और दूसरा, इसमें कोई औचित्य नहीं कि बजट फरवरी के आखिरी दिन 28 या 29 फरवरी को पेश हो रहा है, इसे हम आगे करना चाहते हैं, और वो विषय प्राकलन समिति, एस्टिमेट समिति के सामने रखा गया, जिसमें कि 30 सदस्य होते हैं, लोकसभा के तमाम सदस्य होते हैं उसमें केवल, और उनका एक यह भी उनका कार्य है कि वो सरकार को अपनी अनुशंसा दें कि बजट किस फॉर्म में, किस रूप में संसद में पेश होगा। सरकार प्रस्ताव लाई थी, उस पर विवेचना हुई रेलवे बोर्ड से, और जो हमारे वित्त विभाग के सचिव थे उनसे पूरी वार्ता हुई, साक्ष्य हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक ही बजट पेश करिए और इसको शुरू में कर दीजिए, ताकि अगर पूरा बजट 31 मार्च से पहले ही पास हो गया तो फिर अनुदान मांगों की आवश्यकता नहीं है। तो आपके संज्ञान में होगा कि वर्ष 2017 से केंद्र में 1 फरवरी फरवरी 2017 से लेखा अनुदान मांग नहीं होते, क्योंकि पूरा बजट पहले मार्च से पहले पास हो, 31 मार्च से पहले पास होता है। लेकिन देवेंद्र जी, इसका एक फायदा यह भी तो है कि आपके पास, अगर आप 1 फरवरी को या फरवरी के पहले सप्ताह ले आते हैं, आपके पास मार्च तक कार्य योजना बनाने का पर्याप्त समय रहता है, और 1 अप्रैल से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा यह गया है कि आपने बजट में जो प्रावधान किया गया है उसका आधा पैसा आप स्वीकृत करते हैं और उसका आधा पैसा खर्च होता है, तो फायदा क्या? ये बिल्कुल सही बताया आपने, इसीलिए इसमें यह भी एक सुझाव था कि एक मुश्त अगर पैसा के उनको राशि बता दी जाए, हालांकि वित्त मंत्रालय सारा पैसा एक मुश्त उनको रिलीज नहीं करता, वो इंस्टॉलमेंट में, साल में 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में वो धीरे धीरे से संसाधन आते हैं, पर उनको बताया जाता है कि आपका बजट इतना है और आपको मिलेगा ये बजट, वो ताकि वो अपना पूरा जो प्रोग्राम है उनका क्रियान्वयन करने के लिए तैयार रहें और उसी हिसाब से कार्यक्रम बनाएं। तो परंतु उत्तराखंड में, क्योंकि इसमें अभी इलेक्शन हुआ है, नई सरकार आई है, तो लेखा अनुदान, क्योंकि उसको बजट बनाई नई सरकार आई है, वो अपने उनके क्या, हालांकि सरकार में निरंतरता रहती है, परंतु नई सरकार जब आती है तो नए नए जो उनके कोई प्रोग्राम हो सकते हैं, कोई पुराने प्रोग्राम जो उस समय सरकार समझती है कि वो ठीक नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कई जो बजट बनते हैं उसके कई कई विधाएं हैं कि प्रोग्राम बजटिंग होगा, कंसल्टेटिव बजटिंग होगी, जीरो बेस बजटिंग होगी, जेंडर बजटिंग होगी, तो ये सारे जो बजट के सिद्धांत हैं जो हमारे बजट निर्माता हैं उसका संज्ञान लेते हैं, और राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, और जो जो धन है कैसे आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो जितने भी व्यय होगा वो राजस्व पे करेगा,
और सरकार राजस्व कैसे खर्च करेगी, क्योंकि एक लोकप्रिय सरकार लोगों पे बजट टैक्स कितना लगाएगी, ये उनको सोचना होगा कि भाई टैक्स इतना ना हो कि लोग उसको वहन नहीं कर पाए, बियर नहीं कर पाए, तो उसके लिए समय लगेगा। इसलिए ये 4 महीने के लिए जो मैं अभी न्यूज क्लिपिंग में पढ़ रहा था, हाँ, तो कि वो 4 महीने का इंटरिम बजट मांगा है, जून में यही लेखा अनुदान है सरकार, और ये संविधान के अनुच्छेद 206 में राज्यों के लिए में प्रावधान है, उसमें वोट ऑन अकाउंट है, वोट ऑन क्रेडिट है और एक्सेप्शनल ग्रांट्स है। तो हमारे यहाँ एक्सेप्शनल ग्रांट्स और वोट ऑन क्रेडिट कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, वोट ऑन अकाउंट 2016 तक होते रहे और राज्यों में, क्योंकि इसमें संविधान में प्रावधान है और राज्य में आवश्यकता है, तो वो वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान 4 महीने में बजट बहुत जरूरी, बिकॉज आपको इस चीज का ज्ञान है। कल हमारे यहाँ एक चर्चा उठी कि साहब जो अफसर हैं उनकी सीआर मंत्रियों को लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, और उससे क्या होगा कि जो नौकरशाही है वो कंट्रोल में रहेगी और जो मंत्रियों और नौकरशाही के बीच में अक्सर जो तूतू मैमे होती है वो बहुत कम हो जाएगी। आपका इतना लंबा अनुभव रहा है संसद में काम करने का, मैं आपसे जाता हूं कि आपका क्या सोचना है, क्या ये सही कदम होगा? नहीं, मुझे विस्मय है कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों है। मैं भी अधिकारी रहा हूं और उच्च वर्ग के जो हमारे संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव और सचिव महासचिव, उनकी जो एनुअल सीआर होती है वो अध्यक्ष महोदय उस पर वो रेटिंग करते हैं उसकी, और भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी और अबव के जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के सीआर वो मंत्री, क्योंकि अदरवाइज जो अकाउंटेटिव की चेन वो टूट जाएगी, अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होगी, क्योंकि अधिकारी अगर किसी से डरता है तो अपने सीआर से डरता है। तो इसलिए, और सभी राज्य मैंने देखा, बिहार में तो कई, मुझे मैं कई मंत्रियों का एडवाइजर रहा, कभी किसी समय में जब मैं डिप्टी सेक्रेटरी था, पीएस का भी काम करने का मुझे मौका मिला, और मैंने देखा है कि सीआर जो हैं, जैसे जो कमिश्नर्स हैं या जो सचिव सीआर, फाइनल जो अप्रूविंग अथॉरिटी है वो मंत्री होते हैं, तो वो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लिए आवश्यक है कि जो उच्च अधिकारी हैं, कि जो निम्न दर्ज के अधिकारी हैं उनकी सीआर तो अधिकारी लोग लिख लेंगे, पर जो उच्च अधिकारी हैं, शीर्षस्थ अधिकारी हैं, वो मंत्री, निसंदेह ये डेमोक्रेसी का तकाजा है, अकाउंटेबिलिटी का तकाजा है, कि अकाउंटेबल अगर उनको रहना है, और सबॉर्डिनेशन, क्योंकि डिसिप्लिन और सबॉर्डिनेशन, इंडिपेंडेंस अलग चीज है कि भाई उनका अपने विवेक से काम करें, नियम के अधिकार काम करें, परंतु अकाउंटेबिलिटी और सबॉर्डिनेशन डिसिप्लिन के दायरे में रह करके, और उसके लिए अधिकारियों की सीआर मंत्री लिखे, ये सही है और ये प्रथा रही है। तो आपको लगता है कि उत्तराखंड में भी ये मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मिनिस्टर अब ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब हम अगर सीआर लिखेंगे तो फिर जो सचिव हैं वो, जो आपने जवाबदेही की बात की, वो जवाबदेही तब हम तय कर सकते। नहीं, मुझे विस्मय है कि उत्तराखंड में ये सिस्टम नहीं था। मैं तो अपने व्यक्तिगत, जब मैं बहुत पहले भी जब कभी विशेष कार्य अधिकारी था नरसिम्हा राव सरकार में, और उसमें सरकार में एसीसी होती है, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, और बड़ा उनका जो सिस्टम है कि वो पुरानी सीआर मंगाते हैं, तो मैंने देखा कि वो सीआर जो है, अगर डीएम के सीआर, डीएम ने लिखा कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, और बड़ा 3 पेज का अपने सीआर के पीछे अनेक्शन लगा देते हैं, तो मैंने देखा कमिश्नर लिखा कि नहीं नहीं ये इनका आंकलन अपने बारे में कि सब काम इन्होंने किया सही नहीं है। तो मैंने देखा कि वो उसमें बड़ी ऑब्जेक्टिविटी होती है, और वो फिर उसके ऊपर वो फिर सेक्रेटरी के पास जाता है, सेक्रेटरी देखता है कि कमिश्नर ने ये जो लिखा है सही लिखा कि नहीं लिखा, वो अपना विभिन्न मत उस पर दे सकते हैं, और उसके बाद कमिश्नर लेवल के जो अधिकारियों की है सेक्रेटरी देखता है और फिर मंत्री के पास जाता है। तो ये जो चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्व का जो तंत्र है वो स्थापित है सब जगह, और अगर उत्तराखंड में नहीं था तो मैं समझता हूँ कि वहां होना बहुत जरूरी, अदरवाइज तो ये बिना लगाम का सिस्टम हो जाएगा, इसलिए सबॉर्डिनेशन घोड़ा जो है वो हमेशा खतरनाक बहुत जरूरी है। जी, मैंने कहा बिना लगाम का घोड़ा हमेशा खतरनाक होता है, खतरनाक होता है, और विशेषकर ऑल इंडिया सर्विसेज में हम देखते हैं कि कई बार कोई अधिकारी तो उनको बड़े डिसिप्लिन रहते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि अब हम ये बन गए, इस पद पे आ गए हैं, तो हमारा, हमारे ऊपर कोई नहीं है, तो लोकतंत्र में वो आपने बिल्कुल देखिए, लोकतंत्र में जो चुने हुए नेता हैं उनकी जवाबदेही जनता को होती है,
लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी जवाबदेही किसको होगी, और उनकी जवाबदेही तय करने के लिए जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाने की बात की जा रही है उनका हक बिल्कुल मंत्रियों को मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। आप देखेंगे देखेंगे भट्ट साहब, राज्यपाल महोदय हैं, उनको वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर पे रहते हैं, पर उनको हटाने का हटा सकते हैं। इवन राष्ट्रपति जिन्हें अदरवाइज हटा नहीं सकते हैं, पर वहां भी महाअभियोग का अगर उनका कंडक्ट ठीक नहीं है, उनके पद के गरिमा के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें पद से संसद महाअभियोग से हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को, सीएजी ऑफ इंडिया को, जिनको अदरवाइज को हटा नहीं सकता है, पर अगर उन्होंने उनका जो उनके जो पद के अनुरूप गरिमा के अनुरूप विधान के अनुरूप संविधान संगत जिसकी उन्होंने शपथ ली होती है और उसके अनुरूप वो काम नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है ग्रैंड इंक्वेस्ट ऑफ द नेशन है कि वो काम वो कर सकती है जो और कोई नहीं कर सकता है, तो वो उनपे महाअभियोग का। बिल्कुल अशफाक साहब, मैं एक मिनट के लिए रुक रहा हूं यहां पर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, जल्द लौटेंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण सवाल विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ के आपसे मैं पूछूंगा, ताकि हमारी जनता को इसके बारे में ज्यादा से जानकारी मालूम चले। हम जल्द हाजिर होते हैं। जय माता दी। देवभूमि डायलॉग नवरात्रि के पावन मौके पर आपको 9 दिन नौ दुर्गा के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएगा। हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी मंदिर के, टिहरी जिले में स्थित माता सुरकंटा के, द्वाराहाट स्थित मां द्रोणागिरी मंदिर के, श्रीनगर स्थित चमत्कारी मां धारी देवी के, टिहरी स्थित मां राजराजेश्वरी के, रामनगर में टापू पर बसी मां गर्जिया देवी धाम के, हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी के, टिहरी स्थित माता कुंजापुरी के और चंपावत में स्थित मां पूर्णागिरी धाम के। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए अभी से फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें हमें ट्विटर पर। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं संसदीय मामलों के जानकार देवेंद्र सिंह असवाल साहब, जो बहुत ही गूढ़ बातें हमें बता रहे थे, और हमने जब उनसे बात की साहब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार क्या मंत्रियों से मिलना चाहिए, उन्होंने कहा उनको हैरत है कि उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं है, जबकि बिल्कुल मंत्रियों को यह मौका मिलना चाहिए। एक बात और, अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है असपाल साहब, आपको लगता है कि विधानसभा सत्र कम चलना यानी कम दिनों तक चलना, ये भी शासन में जवाबदेही कम करने का एक तरीका हो जाता है, क्योंकि जो हमारे विधायक गण हैं वो अपने क्षेत्र के सवाल पूछ सकते हैं, उस पर क्या काम चल रहा है वो डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, एक सचिवों पे इस बात का दबाव होता है कि साहब ये जानकारी अगर विधानसभा में जाएगी तो हमारी पोल पुट्टी खुल सकती है, तो ये तभी होगा ना जब सत्र ज्यादा चलेगा, ज्यादा प्रश्नकाल चलेगा, ज्यादा विधायकों को मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। निसंदेह इसी प्रश्न को मैंने अपने लेख में अभी लिखा है, जो आज दी पायनियर, आज के पायनियर में छपा है, और कल एक आर्टिकल गढ़वाल पोस्ट में छपा है, और मैंने उसमें ये मुद्दा उठाया है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि लोकसभा या विधानसभा के दो सत्रों के बीच में जो फासला है या डिस्टेंस है, गैप, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 6 महीने का गैप तो उन्होंने रखा था कि वो मिलेंगे, अब 6 महीने में मिलते हैं, पर कितने दिन मिलेंगे इसकी व्यवस्था संविधान में नहीं है। और ये जैसा कि आपने उठाया, क्योंकि संविधान अगर लोकसभा या विधानसभा चलेंगी, वहां प्रश्न पूछे जाएंगे, सरकार की जवाबदेही तय होगी, और यही नहीं, इसका जवाबदेही का मतलब ये नहीं है कि वो जो सवाल उठाएंगे वो सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। मेरा तो अपना ये व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, सरकार में रहने में जब मैं एडवाइजर था या निजी सचिव था, तो मैंने देखा है कि कई बातों में मंत्री महोदय को नहीं पता होता है, कि विशेषकर जब भारत सरकार में इतना बड़ा मंत्रालय होता है कि एक केरल में काम कर रहा है, अरुणाचल में काम कर रहा है, सीनियर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को नहीं मालूम होता है कि नीचे क्या हो रहा है, पर जब एक सीधा साधा लगने वाला प्रश्न जब आता है और उस पर तथ्य मंगाए जाते हैं राज्य सरकार से या स्थानीय अधिकारियों से, तब पता लगता है कि यहां क्या हो रहा है, तो उसे वो मंत्री के चक्षु का काम करता है, और मंत्री उस पे, मंत्री या एवं सचिव वो सीधे उस पे आदेश देते हैं, इंक्वायरी कराते हैं, ताकि वो जो कोई कमियां हैं, गलतियां हैं, वो ठीक किया जाए।
और इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर संविधान सभा में बड़े विस्तृत चर्चा हुई थी, और डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा कि हम मतलब विधान जो हमारी असेंबली थी, उन्होंने कहा कि हम सरकार स्थिर न रहे, सरकार भले ही उसका गिर जाए, पतन हो जाए, परंतु सरकार जब तक रहेगी उसे जवाबदेह रहना पड़ेगा, उत्तरदायी होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने चुना अकाउंटेबिलिटी, सरकार की स्टेबिलिटी के बजाय बजाय उन्होंने अकाउंटेबिलिटी सरकार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और ये जो सिस्टम है अकाउंटेबिलिटी का वो हमने अपनाया। परंतु अब ये देखने में आ रहा, जैसे कि अभी आपने अपने जो मुद्दा उठाया है कि विधानसभा तो मिलती है, 6 महीने से ज्यादा का जो संवैधानिक प्रावधान है उसका भी वायलेशन नहीं होता है, अवहेलना नहीं होती है, परंतु जो लार्जर पर्पज था वो तो डिफीट हो जाता है, क्योंकि पता लग रहा है कि कुछ ही दिनों मिलते हैं और जो भी मिले उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, डिसऑर्डर हो गया, विधानसभा उसमें हो हल्ला के बीच में बिजनेस नहीं हो पाया है। तो ऑल इंडिया में हमारी एक प्रिजाइडिंग पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस होती है, और ये पीठासीन अधिकारियों की कॉन्फ्रेंस का जो सिस्टम है ये अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा, जब सर फ्रेडरिक व्हाइट अंग्रेज थे। वो, जब मैं लोकसभा टीवी में था मैंने कई ज्वाइन भी की है। हाँ, आप आएंगे जयपुर में 2011 में, 2011 में जो लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके लास्ट नहीं उसके बाद भी कई मीटिंग, पर उस मीटिंग में ये हुआ था कि कई संकल्प पारित हुए हैं कि भाई कम से कम जो छोटी विधानसभाएं हैं वहां वो साल में 80 बैठकें करें एक वर्ष में, और जो बड़ी विधानसभाएं हैं जैसे यूपी बिहार है जहां ज्यादा विधायक गण हैं, और लोकसभा और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के कम से कम 100 सीटिंग होनी चाहिए। और मैंने अध्ययन किया तो हमारे यहाँ तो 79-80 डेज तकरीबन एवरेज उत्तराखंड में सब 13-14-15। हाँ, मतलब ये जो औसत मैंने उससे पहले का भी निकाला है तो 80 दिन से ज्यादा नहीं बैठी है एक साल में। नहीं, अब राज्य विधानसभा में तो साहब 13-14-15, यानी हम आप कह रहे हैं 80, मुझे लगता है कि पूरे 5 साल में 80 दिन नहीं बैठे होंगे। हाँ, राज्यों में मुझे मेरे पास उनका आंकड़ा नहीं है, परंतु वो बड़ा ही डिसहार्टनिंग है वो, क्योंकि अगर उन्हें मिलेंगे तो मंत्रियों के जो अकाउंटेंट का जो हमारा सिस्टम है, इसीलिए एमएलए कई बार नाराज रहते हैं कि भाई एमएलए तो बन गए, पर एमएलए की शान जो है उनका जो ताकत आती है वो एज ए विधायक गण जब वो परिषद में आते हैं वहां सवाल पूछते हैं, सवाल नहीं नोटिस देते, कई किस्म के चर्चाएं करते हैं, तो सरकार को मौका मिलता है, उनको मौका मिलता है पूछने का, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का, और सरकार को भी मौका मिलता है कि जो जिस वो ध्यान आकृष्ट किया गया है उसकी उन समस्याओं का निराकरण कैसे हो, कैसे हो, वो ये सारी बातें हैं जो जब चर्च, क्योंकि लोकतंत्र में ये जो संवाद जो डिबेट और डिस्कशन है, जो स्पीकर है वो किसी भी कीमत पे प्रश्नकाल होने दे साहब, क्योंकि प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं मानता हूं, क्योंकि उससे ना सिर्फ जानकारियां बाहर आती हैं बल्कि जवाबदेही भी तय होती है सरकार की। बिल्कुल, इसीलिए लोकसभा का जो नियमावली है उसमें एक प्रावधान है कि अनलेस स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट्स, तो जो लोकसभा का या विधानसभा का जो पहला घंटा है बैठक का वो प्रश्नों के लिए निर्धारित है कि एक घंटे के लिए प्रश्नकाल होगा, और कई बार तो विपक्ष ही अर्जेंट में मोशन लिया था कि इसको इसको अर्जेंट करिए, हाउस को क्वेश्चन आवर को बंद करिए और कोई और मुर्जा कोई कोई मुद्दा हम उठाना चाहते हैं, तो स्पीकर उसके लिए अग्री नहीं होते, क्योंकि ये निर्णय होते हैं कार्य मंत्रणा समिति जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जिसमें कि उनके संसदीय मंत्री और प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर्स उसमें होते हैं, तो इसीलिए इसीलिए कहा गया है कि क्योंकि प्रश्नकाल में लोकसभा में 20 स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ट 230 होते हैं, तो हर एक राज्यों के अपने सिस्टम है, तो और उसका बड़ा व्यापक आयाम है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप एक मंत्रालय पूछेंगे, दूसरा क्वेश्चन किसी और, तो उसका जो रीच है, व्यापकता है क्वेश्चन की वो बहुत बड़ी, क्योंकि कोई और चर्चा करेंगे, आप चर्चा करेंगे, मंत्री जी भाषण खत्म हो जाएगा, पर जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो जवाब आता है तो कई बार सरकार को भी चौंकाने वाला होता है, विशेष करके जब वो पता लगता है कि भाई जब वो डेटा कलेक्ट होता है, कंपाइल होता है और वो सदन में रखा जाता है, तो सरकार के दूसरे विभाग को पता लगता है, जानकारी मिलती है और उसके आधार पर आगे काम करते हैं, तो इसलिए प्रश्नकाल अत्यंत महत्वपूर्ण है,
प्रश्न पूछे जाने चाहिए नियमावली के अनुसार, और मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए, उससे जनता का लाभ ही है, सरकार का लाभ है। बिल्कुल, एक और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर असपाल साहब हम रुक रहे हैं, हम जल्द हाजिर होंगे और उस पर फिर हम बात करेंगे, और भी विधानसभा के कई महत्वपूर्ण कार्रवाई के हिस्से हैं, उन पे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम जल्द हाजिर होते हैं। जय माता दी। देवभूमि डायलॉग नवरात्रि के पावन मौके पर आपको 9 दिन नौ दुर्गा के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएगा। हरिद्वार में स्थित मां मनसा देवी मंदिर के, टिहरी जिले में स्थित माता सुरकंटा के, द्वाराहाट स्थित मां द्रोणागिरी मंदिर के, श्रीनगर स्थित चमत्कारी मां धारी देवी के, टिहरी स्थित मां राजराजेश्वरी के, रामनगर में टापू पर बसी मां गर्जिया देवी धाम के, हरिद्वार स्थित मां चंडी देवी के, टिहरी स्थित माता कुंजापुरी के और चंपावत में स्थित मां पूर्णागिरी धाम के। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए अभी से फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें। और जब हम बात करते हैं संसदीय प्रक्रियाओं की, विधानसभा की प्रक्रियाओं की, जैसा भी मैंने आपसे कहा कि साहब प्रश्नकाल एक बहुत महत्वपूर्ण घंटा होता है, और यहां तो 1 घंटे 20 मिनट का प्रश्नकाल चलता है अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, और अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रालयों से सवाल पूछते हैं हमारे विधायकगण, जाहिर तौर पे यहां भी जवाबदेही तय करने का एक बड़ा मौका होता है। एक स्टैंडिंग कमेटी का मैं जिक्र अस्पताल साहब जरूर करना चाहूंगा, ये एक बहुत ही अच्छा कल्चर जिसमें पक्ष विपक्ष सब मिलकर एक मुद्दे पर बेहतर, मुझे लगता है बेहतरीन सिफारिशें सरकार को देते हैं। अभी मैं देख रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी को लेकर दिलचस्पी कम हुई है, आपको लगता है संसदीय प्रक्रियाओं के लिए स्टैंडिंग कमेटी का मजबूत होना या उसकी सिफारिशों का मंत्रालय को मानना एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है साहब? निसंदेह जो संसदीय समितियां हैं वो इस सिद्धांत पर हैं कि अनुपातिक सिद्धांत पे, जिस सदस्य जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजनीतिक दल के जितने सदस्य हैं उसी अनुपात में उनका हर एक समिति में समावेश होता है, और हर एक समिति को कुछ विशिष्ट कार्य नियमावली के, संसदीय नियमावली के अंदर दिए जाते हैं। सदन में जहां देखा जाता है कि जब भी कोई विषय आता है तो सामान्यतः जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो बोलते हैं, या समय की सीमाएं होती हैं, कुछ ही लोग बोल पाते हैं, इसलिए सदन में प्रश्नकाल के अलावा या प्राइवेट मेंबर बिजनेस के अलावा सामान्य सदस्यों को, बैक बेंचर्स को पूर्ण अवसर नहीं मिलते हैं अपनी बात रखने के। परंतु समितियां एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक सदस्य को किसी न किसी, विशेषकर संसद में तो एक सदस्य लोकसभा सदस्य करीब 3 या 4 समितियों का सदस्य होता है, और जब उस समितियां मिलती हैं वो उस विशेष व्यापक रूप से निरीक्षण करती हैं, परीक्षण करती हैं, सवाल पूछती हैं, साक्ष्य परीक्षण करती हैं, और साक्ष्य परीक्षण के बाद वो अपनी अनुशंसाएं देती हैं, और वो अनुशंसाएं जब सरकार के, और उसमें प्रत्येक समिति में सरकार का भी, क्योंकि सरकार का बहुमत होता है, कमांड मेजोरिटी करते हैं सदन में, तो उनके किसी भी समिति में उनका बहुमत होता है। परंतु कहा जाता है, और मैंने देखा भी है, कि समितियों में वो दलगत राजनीति को पीछे छोड़ देते हैं। कभी कोई ऐसा नीतिगत मुद्दा आ जाए, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम के केस में हो गया था, बट अन्यथा सामान्यतः सदस्यगण जब वो देखते हैं, उनके सामने साक्ष्य आता है, वो देखते हैं कि इसमें सरकार के ऊपर जो शीर्ष लेवल कोई गलती नहीं है, नीति सही बनी हुई थी, पर उसका कार्यान्वयन में किसी ने गलती की है या ठीक नहीं हो रहा है, या जो हमारा उद्देश्य था, लक्ष्य था, वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो जो कमियां हैं वो उनको चिन्हित करते हैं, और उसके बाद साक्ष्य परीक्षण के बाद, साक्ष्य परीक्षण मीन्स सरकार के जो शीर्षस्थ अधिकारी होते हैं सचिवगण, वो अपना साक्ष्य देते हैं, और उनको सुनने के बाद, रिटर्न और ओरल टेस्टिमनी के बाद ही समिति जब ड्राफ्ट जाता है उनके सामने, वो एक एक चीज को एक अनुसार पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं, और उसके अनुसार वो रिपोर्ट देते हैं, अपनी अनुसूचना देते हैं। और मैंने ये देखा है, आपको याद होगा जो हमारा अभी नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया है,
उससे पहले मेडिकल काउंसिल थी। मेडिकल काउंसिल के बारे में कई टाइम से सीजी की रिपोर्ट में बहुत कई शिकायत चीजें उनमें टिप्पणियां की गई हैं कि भाई ये इसमें एलिगेशन लगते थे। तो तब से ये चल रहा था कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो जब सरकार आई, सरकार ने ये बिल बनाया और हर्षवर्धन उसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, वो समिति के सामने रखा गया। दो तीन बार वो गया और काफी डिटेल विवेचना के बाद डॉक्टर जो उनको स्टेक होल्डर्स थे, जो उसका अपोज कर रहे थे, उनको बुलाया गया, उनकी बातों को रखा गया और उसके बाद जो रिपोर्ट बनी, रिपोर्ट के बनने के बाद सरकार ने 80% जो उनकी अनुशंसाएं थी वो मान ली। और जब वो बिल उस पर दोबारा संसद में आया तो दोनों सदन ने उसको बहुमत से पारित कर दिया और आज हम देखते हैं कि हमारे नेशनल कमीशन, मेडिकल कमीशन बन गया है। इसी तरह से जो मेडिकल क्षेत्र में जो अन्य लोग हैं, डॉक्टर्स के अलावा, नर्स के अलावा, जिनके लिए कोई कानून था, ऐसे करीब रेडियोमेट्री और ऑप्टिशियन और करीब 52 कैटेगरी ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर से जाने से पहले लोग हमें मिलते हैं रिसेप्शन से डॉक्टर तक, जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। और उसके लिए बहुत पहले 1951 से बातें चल रही थी कि होना चाहिए, पर काफी विरोध था उसमें, कई कई लोग थे जो नहीं चाहते थे। पर अल्टीमेटली जब ये सरकार एक बिल लाई, उसको भी स्वास्थ्य समिति के सामने रखा गया। उस स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष थे वो समाजवादी पार्टी के नेता थे, पर उसमें सभी पार्टी दोनों हाउस के सदस्य थे और अल्टीमेटली उन्होंने सारे स्टेक होल्डर से, हितधारकों से डिटेल चर्चा करके, कई दौर हुए चर्चाओं के, कई चीजों में सरकार नहीं मानती थी, पर जब उनके सामने रखा गया कि भाई इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो समिति में एक सहमति बनी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसमें 110 अनुशंसाएं थी और उसमें से 106 अनुशंसाएं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, उन्होंने लोकसभा राज्यसभा में दोनों सदनों में कहा कि हमने मान ली है और जो नया बिल लाए वो संशोधित करके उसमें डाल दी गई। और उन्होंने कहा कि जो रिमेनिंग 4-5 जो अनुशंसाएं हैं उनको हम जब रूल बनेंगे इस अथॉरिटी के तहत उसमें उनका समावेश होगा। तो इसलिए कहा गया कि समिति में जहां मत विविधता है वो एकता लाते हैं, सामंजस्य लाते हैं और एक निर्णय निर्णायक जो अनुशंसाएं वो देते हैं एक मत से। तो जब इतना बड़ी समिति है जिसमें सदन के सभी पार्टी के लोग हैं और चर्चा के बाद वो एक अनुशंसा देते हैं और वो सभी पार्टी उसकी है, तो सरकार को उसको मानने में आपत्ति नहीं होती और वो सरकार का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसी मैं फार्म लॉज की बात बात में जरूर आपसे स्टैंडिंग कमेटी पे हमने बात की, क्वालिटी ऑफ डिस्कशन, जब हम चर्चा की गुणवत्ता की बात करते हैं, पहले आपने देखा होगा, मुझे याद है जब मोहन सिंह, वासुदेव आचार्य इस तरीके के नेता, या भर्तृहरि मेहताब इस तरीके के नेता को मैं संसद में सुनता था तो ऐसा लगता था कि नजर ही ना हटे, मतलब कान उसी तरफ जाते थे। अभी मैं देख रहा हूं कि वो चर्चा की वो क्वालिटी नहीं रही और विधानसभा में तो क्वालिटी का स्तर और गिर गया है। हम दोबारा से इस चर्चा का जो जो चर्चा की गुणवत्ता है उसमें बेहतर जानकारियां हो, बेहतर इनपुट्स हो, उसके लिए क्या करना चाहिए देवेंद्र जी? ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न है और इसके पीछे नहीं, आप फील नहीं करते इस बात को, आप तो नहीं, नहीं, नहीं मैं आपसे सहमत हूं क्योंकि जो चर्चा का जो स्तर है वो हमारे माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है, परंतु जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो उनके सामने जो पैरामीटर्स होते हैं, विनेबिलिटी, अब विनेबिलिटी कैसे होगी तो उस लक्ष्य से वो देखते हैं। तो विनेबिलिटी तो नेचुरली कोई भी सरकार है वो बिना अगर विन नहीं करेंगे तो सरकार में नहीं आएंगे, परंतु मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जहां विनेबिलिटी देखें, ये भी देखें कि वो ऐसे सदस्यों का, कैंडिडेट का चुनाव हो जो कि सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभाओं में चर्चा कर सकें, क्योंकि चर्चा लोकतंत्र की, चर्चा लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए चर्चा संवाद होना बहुत आवश्यक है। अगर वो सिंपली विधानसभा या लोकसभा एक रबर स्टैंपिंग मुहर मात्र बन गई कि भाई ये पास करना है, जो कि मैं कई जगह देख रहा हूँ विशेषकर राज्यों में जहां विधानसभाएं मिलती बहुत कम है, जब मिलती हैं तो सीधे बिल आया और उसको पास कर दिया बिना चर्चा के, तो वो तो साहब प्रवर समिति को भी नहीं भेजते। पहले प्रवर समिति को भेजा जाता था, एक वाइडर डिस्कशन होता था, अब तो लाए बिना चर्चा के पारित कर दिया, आपका बिजनेस पूरा हो गया, हाउस एडजर्न हो गया, आप घर को चले गए। तो ये चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ क्योंकि लोकतंत्र के जीवन में भी ये उतार चढ़ाव आते हैं कभी, तो परंतु मुझे
विश्वास है कि शीघ्र ही सभी बिल्कुल सर, एक लास्ट कमेंट मैं असवाल साहब आपसे चाहूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर इतिहास रचा गया है, महिला को स्पीकर बनाया गया है और बड़ी उम्मीद है उनसे, बिकॉज हाउस में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगा, आपका मैंने लेख भी देखा पाइनियर में, गरवाल टाइम्स में भी, अब मैं आपसे एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा इस मामले पर। नहीं, मैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं, और महिलाएं जब वहाँ अध्यक्ष पीठासीन होंगे और उनके स्वभाव और उनके वो विदुषी हैं और महिला हैं, सेकंड टर्म सभासद बनी हैं, एमएलए बनी हैं, तो वो जब पीठ पे बैठेंगी, आसन ग्रहण करेंगी, आसन से जब भी वो कहेंगे व्यवस्था देंगी, तो मुझे विश्वास है कि सारे सदस्यगण जो भी आदेश या व्यवस्था करें उसका अनुपालन करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष का काम तो यही है कि पीठासीन होकर सदन में चर्चा हो, विधिवत चर्चा हो, नियमों का पालन हो और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को बोलने का मौका मिले। और मैंने देखा रवि रे या और भी हमारे प्रजन जो भी बिरला जी हैं, अगर मेंबर्स को 0 आवर में या जो 377 में स्पेशल मेंशन, अगर उनको वैसा मौका नहीं मिल रहा है तो बोलने का मौका जरूर मिलना चाहिए, तो मेंबर उससे संतुष्ट होते हैं कि मैंने अपनी बात, क्योंकि ये जो 0 आवर है या स्पेशल मेंशन है, विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वो अपनी बात, जनता की बातें वो रख पाए सदन में, उसमें मंत्री तभी जवाब नहीं देंगे, परंतु ये व्यवस्था की गई है कि सचिवालय जो विधानसभा सचिवालय है उसकी प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को भेजते हैं और संबंधित मंत्री को ये निर्देश होता है अध्यक्ष महोदय का कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उस पर कार्रवाई करें और उस कृत कार्रवाई से माननीय सदस्य को अवगत कराएं कि क्या उस पर कार्रवाई की है या कार्रवाई अगर नहीं हो सकती तो उसके कारण क्या है, तो वो बताया जाता है, तो उस पर एक संतोष पैदा होता है। बिल्कुल असमान तो ये अगर आपको करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने देवभूमि डायलॉग के दर्शकों को बताया। आशा करूंगा आगे भी आपसे कई सारी जानकारियां हम संसदीय प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई लेते रहेंगे। हम यहां पर कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। जय माता दी। देवभूमि डायलॉग नवरात्रि के पावन मौके पर आपको 9 दिन नौ दुर्गा के अलग अलग मंदिरों के दर्शन कराएगा। हरिद्वार में स्थित माँ मनसा देवी मंदिर के, टिहरी जिले में स्थित माता सुरकंटा के, द्वाराहाट स्थित माँ द्रोणागिरी मंदिर के, श्रीनगर स्थित चमत्कारी माँ धारी देवी के, टिहरी स्थित माँ राजराजेश्वरी के, रामनगर में टापू पर बसी माँ गर्जिया देवी धाम के, हरिद्वार स्थित माँ चंडी देवी के, टिहरी स्थित माता कुंजापुरी के और चंपावत में स्थित माँ पूर्णागिरी धाम के। इन कार्यक्रमों को देखने के लिए अभी से फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फॉलो करें हमें। संविधान ने ये व्यवस्था दी है कि आप 1 रुपया भी अगर खर्च करते हैं तो जाहिर है विधानसभा या पार्लियामेंट से पहले आपको अनुमति लेनी होगी, क्योंकि जब आप बजट नहीं ला पाते तो आपके पास ये विकल्प भी है कि आप वोट एंड अकाउंट लेके आते हैं। तो अब से तकरीबन 40 मिनट के बाद उत्तराखंड की विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक वोट एंड अकाउंट रखेंगे। माना यह जा रहा है ये 4 महीने का लेखानुदान होगा और इस बीच में सरकार अपने विजन के अनुरूप एक फुल फ्लेज बजट तैयार करेगी और उस बजट में कई और कार्यक्रम नए आ सकते हैं। जाहिर है उनके ये जेहन में चल रहा होगा कि वो क्या कुछ उत्तराखंड के लिए करना चाहते हैं, लेकिन हमारी नजर रहेगी वोट एंड अकाउंट में। और आज जो अभिभाषण आया है, जैसे अभिभाषण में जो 2-3 राज्य सरकार के लिए चिंता करने वाली खबर है कि हमारा पर कैपिटा इनकम 2 लाख को पार कर गया था, लेकिन आज जो रिपोर्ट हमारे पास है 1,76,744। जाहिर है क्योंकि हमारी ग्रोथ कम हुई है, हमारी GDP गिरी है, उस वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम गिरी है। हमारी कुल GDP जो है, स्टेट GDP जो है, वो है 2,27,421 करोड़। इसमें भी 70% भाग जो है वो केवल 3 डिस्ट्रिक्ट का है, उद्धम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून। अगर दूसरा जो अच्छी खबर दी है
कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे राज्य सरकार जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की बात की गई है। सौंग बांध और जमरानी बांध को लेकर कहा गया है कि जल्द काम शुरू किए जाएंगे, और ये दोनों बांध बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं जमरानी बांध की बात करूं, कुमाऊं के तराई एरिया की मैं बात करूं, वहां के लिए न सिर्फ सिंचाई का पानी, पीने का पानी उपलब्ध कराएगा, और जब सौंग बांध की बात करूं, सौंग बांध अगले 40 साल देहरादून के आसपास के क्षेत्र के लिए पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, और अच्छी खबर यह है सरकार इन्हें जल्द शुरू करने जा रही है। एक और अच्छी बात जो इस राज्यपाल अभिभाषण से निकल कर आई, जिसका इसका अनाउंसमेंट पहले हो चुका है, लॉन्च सरकार कर चुकी है, वन डिस्ट्रिक्ट टू लोकल प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, ऐसे में हम हर डिस्ट्रिक्ट में हमने दो प्रोडक्ट को ब्रांड करते हैं, ग्लोबली ब्रांड करते हैं। इससे ना सिर्फ रोजगार बढ़ेगा बल्कि लोकल इकोनॉमी भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ 1510 होम स्टेज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ये अगर मैं होम स्टे बने हैं तो जाहिर तौर पे ये हमारे पर्यटन पे चाल-चाल लगाएंगे। बहुत ग्रामीण स्तर पे लोगों को इससे एक अच्छी आजीविका मिलेगी। तो कुल मिलाकर अगर ये मेन पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग, संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन, अनाथ बच्चों को वात्सल्य का सारा, कई बातें आज कही गई हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि साहब बजट को आप प्रीपोन करिए, फरवरी के पहले हफ्ते में लाइए, सारे विभाग तैयारी कर ले, और 1 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये जो 3-4 महीने भारी बरसात के चलते हमारे यहाँ काम नहीं हो पाता, वो भी हमारी विकास की गति को रोकता है। जाहिर है मुख्यमंत्री के जहन में ये सारी बातें होंगी, लेकिन हर उत्तराखंडी को दिलचस्पी दिखानी चाहिए राष्ट्रपति अभिभाषण में, वोट एन अकाउंट में। ये दिलचस्पी ये दिखाती है कि आप राज्य के प्रति कितने फिक्रमंद हैं। राज्य सरकार का ये डॉक्यूमेंट होता है जिसे कैबिनेट अप्रूवल देती है, जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है, एक तरह का भविष्य का विजन होता है, वर्तमान की स्थिति की चर्चा होती है, वो एक आम आदमी को जरूर अपने जहन में रखना चाहिए। हम कुछ पलों के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन हमारी नजर लगातार वोट एंड अकाउंट पे भी है, और आज हम एक बड़ी डिबेट करने जा रहे हैं जिसको जन्म दिया है कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज ने। क्या अफसरों की सीआर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मंत्रियों को मिलना चाहिए या नहीं? कई राज्यों में ये होता है, हमारे राज्य में न जाने क्यों नहीं होता, और अगर ये नहीं होता तो इससे जवाबदेही का संकट जरूर खड़ा होता है, क्योंकि जवाबदेही राष्ट्रपति की भी है, जवाबदेही सीएजी की भी है, जवाबदेही सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजेस की भी है, जवाबदेही राज्यपाल की है। तो ब्यूरोक्रेट्स की जवाबदेही के लिए भी बहुत जरूरी है कि मिनिस्टर्स को उनकी सीआर लिखने का अधिकार जरूर मिले, और इसके महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज अपनी डिबेट पे। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।